कहते हैं प्रेम की शुरुआत प्रेम के बीज आंखों से होते हुए दिल में उतरता है। लोग सुंदरता पर मोहित होकर प्रेम करते हैं, किसी को किसी की अदा भा जाती है तो किसी को किसी का ड्रेसिंग सेंस भा जाता है, और दोनों में प्यार अंकुरित होता है और बात शादी तक या साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। लेकिन हम एक अनूठी प्रेम कहानी, अनूठा विवाह के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जहां 21 साल का अमरजीत 18 साल की सुषमा के बीच पढ़ाई के दरमियान प्यार हो गया और शादी रचाई। तो एक छोटी सी बात है, प्यार होता है, शादी होता है, इसमें नई बात क्या है? तो इसमें नई बात यह है, इसमें अद्भुत बात यह है कि दोनों दृष्टि बाधित हैं, यानी दोनों दृष्टिहीन हैं, और ब्रेल लिपि की पढ़ाई करते के दौरान दोनों के बीच में प्यार हो गया। 4 साल तक प्यार चला, उसके बाद उसकी धूमधाम से शादी की गई। तो इन दोनों को प्रेम को समर्पित यह एपिसोड है, यह कहानी है, और आपके लिए तैयार किया गया है खास रिपोर्ट। तो चलिए मिलकर देखते हैं यह खास रिपोर्ट। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले अमरजीत और 9वीं कक्षा में ही पढ़ने वाली सुषमा कुमारी दोनों विवाह बंधन में बंध गए। हालांकि 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन दोनों की उम्र बालिग हैं। जहां अमरजीत 21 वर्ष का है, वहीं सुषमा 18 वर्ष की है। दोनों गया जिले के चाकंद में ब्रेल लिपि की पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही जन्म से अंधे थे, दृष्टि बाधित थे। इस दिव्यांग जोड़े की धूमधाम से शादी कराई गई। यह अनोखी प्रेम कहानी की गवाह बना है हसपुरा से सटे देवकुंड दुधेश्वर नाथ का मंदिर, जहां इस प्रेमी जोड़े ने शादी की और लोगों ने आशीर्वाद दिया। हम आपको बताते चले कि औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र के सरदीवन बिघा गाँव निवासी श्री राम के पुत्र 21 वर्षीय अमरजीत और जहानाबाद जिले के एरकी गांव निवासी बलिराम दास की पुत्री 18 वर्षीय सुमन कुमारी ने प्रेम विवाह रचा लिया। जब अमरजीत और सुषमा पैदा हुए थे तो जन्म से अंधे थे। लोगों ने सोचा, उनके माता पिता ने सोचा कि यह हम पर बोझ है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए दोनों दिव्यांगों के लिए बने विशेष स्कूल में ब्रेल लिपि की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसी बीच दोनों के बीच में प्रेम हुआ, दोनों साथ जीने मरने का वादा किया और यह बात अपने परिजनों के बताई, लेकिन थोड़ी ना नुकुर के बाद दोनों के परिवार शादी के लिए राजी हो गए। तो यह अनोखी शादी संपन्न हो गई, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। तो जरा देखिए नवविवाहित दुल्हा दुल्हन क्या कहते हैं। मैं बतियाते बतियाते हो गया। कहाँ पढ़ाई करते थे आप लोग? चाकर रहीम बिगा गाय नेत्रहीन विद्यालय। अच्छा, मुलाकात कितना साल पहले हुई थी? 1 साल पहले हुई थी। 1 साल पहले जी। और जब बात होने लगा, लगता था कि हम लोग दोनों शादी करेंगे? लगता था कि नहीं होगा, करेंगे हम लोग। फिर सोचे कि ना बातचीत करते करते हो कि कर लेंगे। आपका पिताजी यहाँ फिर पहुँचे थे जी। अभी क्या लग रहा है, पढ़ाई करके क्या बनना चाह रहे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई करके तो नौकरी करना चाह रहे हैं। नौकरी करना चाह रहे हैं। कितना खुश हैं आप दोनों शादी करके? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। क्या नाम है आपका? सुषमा कुमारी। स्कूल में रहते रहते हुए मुलाकात हो गए। कहाँ स्कूल में पढ़ाई करते थे? चाकन ब्लैंड मध्य विद्यालय स्कूल में। अच्छा, तो वहीं दोनों को मुलाकात हुई जी। अब तक जो यहाँ शादी तक आप पहुँच गए, कैसे कैसे हुई है? शादी ऐसे हुई कि मैंने पहचान किए और बात किए, प्रेम भाव किए, उसका बाद मतलब बात करते करते ही मतलब प्रेम भाव हुआ और लव मेरे से मतलब शादी किए। और कहें कि जब स्कूल में छुट्टी होता था और आप घर पहुंचते थे तो इनसे बात होती थी कि नहीं आप? जी, बात होता था फोन से जी।
मोबाइल से आप लोग बात करते थे? हाँ। लग रहा था पहले कि हम लोग शादी कर लेंगे? पहले तो नहीं लग 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 रहा था था कि शादी तो नहीं होगा, मगर प्रेम भाव से ही, बोली वचन से ही, मतलब दोनों को मन हुआ कि शादी करने की, तो सोचे चलो। कौन क्लास में आप पढ़ाई करते हैं? नौवा क्लास में दोनों मैंने पढ़ाई करते हैं। दोनों को, पति पत्नी दोनों? जी। क्या नाम है उनका? उसको नाम है सुषमा कुमारी, मेरा नाम है अमरजीत कुमार। अच्छा, अभी शादी से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। आगे क्या करेंगे आप, पढ़ाई लिखाई करके? पढ़ाई लिखाई कर कर नौकरी चौकरी जो लगेगा लगेगा, तो मतलब घर बसाएंगे। कैसू मतलब शादी किए हैं तो मतलब चलबे करेगा, ऐसा तो बात नहीं है जीवन में। आपका पिताजी दान दहेज लिए हैं कि नहीं? नहीं, दान दहेज तो नहीं लिए हैं। जी नहीं लिए हैं।